सो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फैजान। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे बंदे से जिन्होंने फर्स्ट ईयर में ही अचीव किया है इंटर्नशिप। तो इनसे हम अपने कुछ क्वेश्चन, कुछ अपने डाउट को रिगार्डिंग इंटर्नशिप क्लियर करेंगे। कुछ समय पहले मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था कि भाई किसी को इंटर्नशिप के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट करो। भाई किसी ने नहीं किया, बस एक बंदे ने किया था। तो मतलब आज की इस वीडियो में आपका इंटर्नशिप के रिगार्डिंग बहुत से ऐसे डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ शुभम गुप्ता जी से। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुभम भाई, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद एफजेड पर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू भाई फैजान भाई। तो सुमन भाई, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चनिंग करने से पहले, अपने डाउट को क्लियर करने से पहले, ये पूछना, ये चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को सबसे पहले अपने बारे में बताएं। तो मेरा नाम जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम शुभम गुप्ता है एंड मैं अभी बीसीए कर रहा हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। एंड मैं इस टाइम सेकेंड ईयर में हूँ, जो कि थर्ड सेमेस्टर में हूँ। एंड मेरा ऑक्यूपेशन, मैं एक कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ जिसका नाम है होमजेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक यूएस की कंपनी है, पर इंडिया में जो रजिस्टर्ड है वो है होमजेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और जो कंपनी इसकी यूएस में रजिस्टर्ड है वो है होमजेम LLC। तो वहाँ पे मैं एज अ वेब डिज़ाइनर काम कर रहा हूँ लास्ट 8-9 महीने आई थिंक हो गए हैं। तो यस, इतना मेरे बारे में। और मैं थोड़े यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ एंड मुझे पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा इंटरेस्ट है, तो फिर मैं ऐसा कुछ करता हूँ। जी जी, बहुत 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 बढ़िया है शुभम जी। जो मेरा क्वेश्चन है, जो हर किसी को आई थिंक ये क्वेश्चन होता है, हर किसी का डाउट होता है बिफोर इंटर्नशिप करने से पहले, हर किसी का ये क्वेश्चन होता है कि क्या इंटर्नशिप में स्किल जो है वो रिक्वायर्ड होती है क्या, मतलब स्किल हमें आना ही चाहिए। स्किल में आपको ऐसा नहीं होना कि स्किल जो भी आपका, एक डोमेन जो भी आपका है, ऐसा नहीं होना कि आपको उसमें एकदम एक्सपर्ट होना है। मतलब आप अगर कुछ भी कर रहे हो, मान लो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हो, तो फिर आपको उसका बेसिक्स आना चाहिए कि मतलब आप काम कर ले रहे हो। और इंटर्नशिप आपका होता है इसीलिए कि आप वहाँ पे इंटर्नशिप करके वहाँ से कंपनी में कुछ चीज़ें सीख रहे होगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हो, उसका नाम आप इंटर्नशिप कर रहे हो, तो आपको इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप, अगर एक्सपर्ट हो तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इंटर्नशिप आपका बेसिकली लर्निंग के लिए होता है कि मतलब आपका कुछ कुछ स्किल्स हैं और वहाँ पे आप काम करके कुछ कुछ चीज़ें सीख भी रहे हो। तो आपका इंटर्नशिप इसीलिए होता है कि आप वहाँ से कुछ कुछ लर्निंग्स लो एंड आपके पास बेसिक स्किल होनी चाहिए। मतलब आपको काम कर ले रहे हो और वहाँ से आप धीरे धीरे करके अपने आप को स्किल अप करोगे। तो इंटर्नशिप ऐसा ही होता है, मतलब वहाँ पे आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक स्किल्स आने चाहिए। आपका एक रिज्यूमे होना चाहिए, आपका अगर लिंक्डइन प्रोफाइल है तो फिर आप वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें लिस्ट करके रखो कि आपके क्या क्या स्किल्स वगैरह हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब वो होनी चाहिए आपके पास, आपको एक्सपर्ट नहीं बनाया इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब बेसिक चीज़ें। हाँ, बेसिकली आपने मेरा डाउट क्लियर कर दिया यहाँ पे कि स्किल कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जो मेरा जो अगला क्वेश्चन था वो यही था कि हमें कैसे ये पता चलेगा कि हम मतलब इंटर्नशिप के लायक हुए हैं कि नहीं, मेरा स्किल जो है जितना मैं सीखा हूँ वो मेरे एनफ है या नहीं, मतलब कर सकता हूँ अप्लाई या नहीं। यहाँ डाउट होता है, जैसे मेरे अंदर खुद है तो कई सारे ऑडियंस को भी ये डाउट होगा मुझे लगता है। तो फिर वही क्वेश्चन तो मेरा सेकेंड वाला ये। हाँ, पहले तो मैं ये मानता हूँ कि आप अगर कोई भी स्किल पकड़ने जा रहे हो, मतलब आपको पता चल गया कि मुझे ये स्किल परस्यू करना है, मतलब अगर मेरा था तो मेरा वेब डिज़ाइनिंग, मैं पहले वेब डेवलपमेंट में गया था पर मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो फिर मैं वेब डिज़ाइनिंग में सिर्फ आ गया। तो मतलब आप पहले कोई स्किल अगर पकड़ रहे हो, मैंने अगर मान लो वेब डिज़ाइनिंग पकड़ा उस टाइम, तो फिर मैं अपने आपको 6 महीने दूंगा कि उस पर काम करूँ। मतलब मैं सिर्फ 6 महीने सीखूंगा, मुझे इंटर्नशिप वगैरह के लिए किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं करना है कि मैं इंटर्नशिप कर लूँ, फ्रीलांसिंग कर लूँ। बस आप 6 महीने स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ आप सीखोगे और उसमें कुछ आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, मतलब 2-3-4 प्रोजेक्ट, मतलब अगर 2 हैं तो ठीक है, पर अगर 3-4 हैं तो बहुत अच्छे हैं। मतलब आप 3-4 प्रोजेक्ट कर लो और अपने आपको 6 महीने दो उस स्किल के लिए कि आप 6 महीने लगातार बिना रुके बस उसी स्किल पे काम कर रहे हो, बिना मतलब पैसे के पीछे भागे कि आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लो, आप फ्रीलांसिंग कर लो। मतलब आपको 6 महीने पहले उस पर दे देने हैं, उसके बाद 6 महीने के बाद आपके पास जब 2-3-4 प्रोजेक्ट्स हो जाएँ तो फिर उस प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में ऐड करके, अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करके, फिर वहां से आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने भी यही किया था जी। तो मतलब ये है कि हम 6 महीने लगातार सीखते हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि आप 6 महीने किसी चीज़ को दे दोगे तो फिर आप उसमें मतलब आप काम कर लोगे। अगर आप 6 महीने किसी भी एक चीज़ को देते हो लगातार, मतलब आप कंसिस्टेंटली अगर करते हो जाते हो, तो फिर आप उसमें बिगिनर से एक्सपर्ट तो मतलब थोड़े बहुत हो जाओगे कि आपको इंटर्नशिप फ्रीलांसिंग के काम वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 6 महीने मैं मान के चलता हूँ मिनिमम, आप 6 महीने दो बिना किसी चीज़ के पीछे पड़े कि आप इंटर्नशिप कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, आप 6 महीने दो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। जी जी।
यहाँ पे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इंटर्नशिप में इंग्लिश आनी जरूरी है, बहुत ज्यादा इंग्लिश रिक्वायर्ड है क्या यहाँ पे? नहीं, इंग्लिश हिंदी का ऐसा कुछ लैंग्वेज का बैरियर नहीं होता है, पर अगर ये है कि आप किसी फॉरेन कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर फॉरेन क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, तो फिर इंग्लिश एक हो सकता है कि आपका एक बैरियर बन के आए कि आप अगर इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने क्लाइंट से, अपने हायरिंग कंपनी से, तो फिर वो एक थोड़ा बहुत हो सकता है। पर आप मेजरली अगर आप इंडिया की कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो भी मतलब अगर इंग्लिश आए तो प्लस पॉइंट है, पर अगर ना आए तो भी ऐसा कुछ बैरियर नहीं है कि मतलब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके स्किल्स बहुत ही अच्छे हैं और आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर आपको स्किल ही नहीं आता है पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो फिर तो मतलब उसका कोई मतलब है नहीं आपके पास, आप इंग्लिश बोल ले रहे हो फराटेदार और जो आपको काम कर रहा है वो आपको आता ही नहीं है, तो फिर वो भी एक बढ़िया चीज़ नहीं है ना। मतलब ये है कि आपको इंग्लिश आए तो वो प्लस पॉइंट है, मतलब ना आए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी जो मेन चीज़ है वो स्किल्स है, तो आप स्किल्स पे फोकस करो और इंग्लिश भी मतलब आपको इम्प्रूव करनी ही करनी है, क्योंकि इंग्लिश आजकल ग्लोबल लैंग्वेज है, मतलब आपको हर जगह जहाँ भी कम्युनिकेट करना है लोगों से, तो फिर आप इंग्लिश में करते हो, तो फिर मतलब इंग्लिश आए तो प्लस पॉइंट है, पर अगर ना आए तो फिर आप उसे सीखो, इम्प्रूव करो, मतलब थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ेगी आपको। मेरी दो कंपनी थी ना, मैंने बताया था कि एक आईगा थी, एक वीडियो में मैंने बताया था कि दो कंपनीज आई थी मेरे पास, एक आईगा थी जो कि इंडस्ट्रियल गार्ड एशिया, वो एक मलेशियन कंपनी थी, तो ऑफकोर्स वो लोग तो इंग्लिश में ही बात करेंगे क्योंकि इन्हें तो हिंदी आती नहीं है। और जो मेरी दूसरी कंपनी है, जो मेरी करंट कंपनी है होमजैम, तो उनके जब मुझे मेरा उनके पास से कॉल आया था तो फिर उन्होंने मैसेज वगैरह किए वो तो इंग्लिश में ही थे, पर हमारी जब कॉल से बात हुई तो वो मतलब दोनों की कॉम्बिनेशन जो होती है ना इंग्लिश, मतलब आप हिंदी में बोल रहे हो इंग्लिश में बोल रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो उस टाइप की थी। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ इंग्लिश ओरिएंटेड, मतलब लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं है एज लॉन्ग एज आप सिर्फ इंडिया की कंपनीज के लिए काम कर रहे हो, आपकी स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज। सो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, आप स्टूडेंट भी हो, तो आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, कितना टाइम स्किल को देते हो और कितना टाइम आप अपनी पढ़ाई में देते हैं? पढ़ाई में तो इस टाइम तो कॉलेज वगैरह बंद ही हैं और ऑनलाइन क्लास थोड़े बहुत चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते हैं, तो इस टाइम तो आपके पास भी काम, मतलब काम ज़्यादा कर सकते हो अगर आप भी चाहो तो, मतलब कोई भी चाहे तो काम इस टाइम ज़्यादा कर सकता है एज़ कम्पेयर टू उस टाइम जब प्री कोविड, मतलब जब कोविड नहीं था तो उस टाइम बच्चों को कॉलेज जाना पड़ता था और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, तो मतलब उसका एडवांटेज हमारे पास एक है कि इस टाइम कोविड है तो हम सभी घर पर ही हैं, क्लासेस हमारी ऑनलाइन चल रही हैं, तो फिर हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो फिर मैं टाइम ऐसे मैनेज करता हूँ कि जैसे मतलब जो वर्किंग आवर्स है कंपनी का 9 से 5 जो भी मतलब आपका होता है वर्किंग आवर, तो उस वर्किंग आवर में मैं काम करता हूँ। अगर इन केस मेरे बीच में कोई क्लासेस वगैरह हैं तो मैं क्लासेस अटेंड कर लेता हूँ और वो जो कंपनी का काम बचा होता है वो मैं रात में या फिर बीच में कभी अपने फ्री टाइम में या फिर वीकेंड्स पे सैटरडे संडे कंपनी का ऑफ होता है तो उसमें काम मैं मैनेज करके वो कर लेता हूँ। ठीक है फिर सर, तो जो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इंटर्नशिप भी दो प्रकार की मिलती है, जैसे एक फ्री हो जाती है, एक पेड वाली होती है, तो इनमें से मतलब फ्री वाला करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए? फ्री वाला मान लो आपने अपने आप को 6 महीने दिए, आप उस मतलब फील्ड में थोड़े थोड़े आप काम कर ले रहे हो, मतलब आप कुछ भी करना चाहो, आपको कोई भी उस फील्ड से रिलेटेड काम दिया जाए तो फिर अगर आप वो कर ले रहे हो तो फिर आप 1 या 2 महीने फ्री इंटर्नशिप कर सकते हो। मतलब अगर आप सेम कंपनी किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया फ्री इंटर्नशिप में तो फिर आप 1 या 2 महीने मैक्सिमम उस कंपनी में फ्री ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में काम कर सकते हो। पर आपको तीसरे महीने से या फिर तीसरे महीने मैक्सिमम मैं 2 महीने मानूंगा, अगर आप तीसरे महीने से उस कंपनी से मतलब पैसे मांगो ही मांगो कि मतलब मैंने आपको इंटर्न किया 2 महीने मतलब फ्री में, आपको अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तभी आपने मुझे रखा हुआ है, मतलब पसंद आएगा तभी ना आपने रखा हुआ है 2 महीने मुझे, अगर नहीं पसंद आता तो आप अभी तक तो आप मुझे निकाल चुके होते। तो फिर अगर आप 2 महीने फ्री इंटर्नशिप कर सकते हो, मतलब तीसरे महीने से आपको पैसे मतलब अपने वर्क के बदले देने चाहिए जो भी आपका स्टाइपेंड होता है तीसरे महीने से, मतलब 1 या 2 महीने आप कर सकते हो। हाँ जी, तो फिर फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं सारे लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो इनको इन लोगों को आप अपना लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि जैसे आप अभी कॉलेज में हो तो फिर आपका जो भी कॉलेज है Tier 1, Tier 2, Tier 3 अगर आपका Tier 1 कॉलेज है मतलब IIT, NIT वगैरह जो भी आपका वेल मतलब मैनेज कॉलेज है, मतलब उनका बहुत नाम है जहाँ पे कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, तो फिर वहाँ पे तो आप अगर मतलब आप सिर्फ कॉलेज पे ध्यान दोगे प्लेसमेंट वगैरह पे ही तो फिर आपका मोस्ट चांस यही है कि फाइनल ईयर तक आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। पर अगर आप मेरी तरह या फिर फैजान भाई की तरह Tier 2 या Tier 3 कॉलेज से हो जहाँ पे कंपनीज उतनी नहीं आती हैं प्लेसमेंट के लिए, जहाँ पे कि आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना पड़ता है, तो फिर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब से भी आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब जब से भी आपको ये नॉलेज हुई हो कि यार इंटर्नशिप कुछ होती है, फ्रीलांसिंग कुछ होती है, मतलब एक साइड हसल कुछ होती है, तो फिर आप
तभी से काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आप टायर टू या टायर थ्री सिटी अरे मतलब कॉलेजेस में हो तो फिर आप तभी से एक वो चीज़ ढूंढना शुरू कर दो कि आपको फाइनल ईयर जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओ जब आपका फाइनल ईयर हो तो आपको जॉब के लिए भटकना ना पड़े। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से शुरू कर दोगे तो थर्ड फोर्थ ईयर तक आते आते आप एक मतलब अच्छे पोजीशन पे होगे जहाँ पे कि आप प्लेसमेंट स्किप भी कर सकते हो इन मोस्ट केस। मतलब आपको प्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप अपना काम कर रहे होगे साइड में वो आपकी प्लेसमेंट से ज़्यादा अर्निंग आपको दे रहा होगा। तो शुभम भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें यहाँ पे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। सो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके श्योर श्योर, टेक केयर। ओके बाय। फिर ओके, थैंक यू सो मच फैजान भाई, थैंक यू। ठीक बाय, वेलकम।